अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके लिए हज सन 2023 के मतलब सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई एक अफसोसनाक खबर लेके आए हैं। दोस्तों, सऊदी वजारत अल हज ने अपने विजन सन 2030 की तकमील के जिमन में बहरहाल ऐलान किया है कि आने वाले साल सन 2023 में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में हज कोटा बढ़ा कर दिया जाएगा। जो लोग कोरोना वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 या 3 सालों से हज की सआदत से महरूम थे, वो भी इस साल बआसानी हज कर सकेंगे। गुज़िश्ता महीनों सऊदी वजारत अल हज बरूने ममालक के सरबराहान से राबते करके इस बात का अजहार कर रही थी कि इस साल ज्यादा अफराद हज की सआदत कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत के इसी ऐलान के पेश नज़र इंडोनेशिया की वजारत अल हज सऊदी हुकूमत से सन 2023 के लिए 100% कोटे का मुतालबा किया था। सऊदी हुकूमत अपना फैसला तब्दील कर चुकी है। सऊदी वजारत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंडोनेशिया का हज सन 2023 कोटा बढ़ाने का इंडिया दे दिया है, बल्कि ये भी कहा है इंडोनेशिया का कोटा सन 2022 के बराबर होगा, जिसके मुताबिक सिर्फ 1 लाख अफराद हज की सआदत कर सकेंगे। हत्ता के इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा होता था। सन 2019 में इंडोनेशिया का कोटा 2,18,000 था। बदकिस्मती से इंडोनेशिया का कोटा सन 2019 के मुताबिक भी बहाल नहीं हो सका। यकीनन दोस्तों, ये खबर इंतहाई तशवीशनाक है। अगर ऐसा ही हुआ तो तमाम ममालक का कोटा भी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा होता था। सबसे ज्यादा आदमीन इसी मुल्क से आया करते थे। अगर इसी मुल्क से कम अफराद को इजाजत मिलेगी तो यकीनी तौर पर दीगर ममालक को इसी से यानी कम कोटा दिया जाएगा। बहरहाल इंडोनेशिया की वजारत हज ने सऊदी वजारत से सन 2019 का कोटा बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। उम्मीद है सऊदी हुकूमत इस पर गौर करेगी, इसी फैसले पर नजरसानी करेगी। दुआ है कि अल्लाह आप हम सबको हज उमरा की बार बार सआदत नसीब फरमाए। मज़ीद इस तरह की खबरें सुनने के लिए